अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सईद इमरान अली। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज मुझे 103 बुखार चढ़ा हुआ है। और आपको जैसे पता है कि पाक भारत जंग का दिन भी आज, तो आज उसकी तैयारी भी करनी है। और आपके साथ व्लॉग बनाए बगैर, आपसे बात किए बगैर तो मैं आपको बता रह ही नहीं सकता। मुझे अब आपकी ऐसी आदत पड़ चुकी है कि आप एक मेरी फैमिली बन चुके हुए हैं, तो मेरे से तो इस बीमारी की हालत में भी रहा नहीं कि आपको मिले बगैर। तो आपको आज मैं दिखाता हूँ कि पाक भारत जो जंग होने वाली है उसकी तैयारी करनी है, और वो क्या तैयारी करनी, तो आप मेरे साथ चलें तो हम जाकर उसकी तैयारी करते हैं। तो रुको, जरा सबर करो। दोस्तों, जाने से पहले मेरे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी वाइफ से मैंने कहा कि मुझे कावा बना कर दो मलठी वाला, तो मैं उसकी आपसे रेसिपी भी शेयर करता हूँ, और वो आपको पीकर दिखाता भी हूँ आपको, उसका शक्ल कैसी है, उसका कैसा जायका है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ, और उससे कैसे शिफा मिलती है, एकदम एकदम जादू कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और चले आए, आपको मैं कहवा दिखाऊँ। तो जी दोस्तों, आपसे मैं शेयर करता चलूँ इसकी रेसिपी। ये देखिए, मलठी इसमें डाली है हमने, ये दालचीनी है, ये अदरक है, और फिर इसके बाद 1 कप आपने इसके अंदर पानी ऐड करके, तो इसको चूल्हे पर रख देना आपने। तो फिर जब आप इसको चूल्हे पर रखेंगे, तो जैसे ही इसके 2-3 बॉयल आएंगे, तो आपने इसको उतार कर तो कप में डाल लेना है। इसमें आप हसबे जायका आप इसमें हनी ऐड कर लें, तो आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। और ये एक मैजिक है, ये मैजिक की तरह असर करता है, और आपको एकदम थोड़ी एनर्जी देता है, जिसके साथ आप अपने काम वगैरह, जिंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मेरा ज़बरदस्त किस्म का कहवा तैयार होकर आ चुका है। ये कहवा बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़बरदस्त। यकीन माने, ये मुंह में जाते साथ ही आपके सर को और गले को फौरन से रिलीफ देता है, बहुत ज़बरदस्त। अब जिस तरह ही मैं इसको पी कर फारिग होता हूँ, तो फिर मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, और फिर हम बाहर जाकर पाक भारत की जो जंग आज होनी है उसकी तैयारी करते हुए आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे ही दोस्तों ये मेरे अंदर गया है, मुंह के अंदर और गले में से गुजरा है, तो इसने गले को भी ऐसे ठंडा ठंडा महसूस करवाया मुझे, बहुत ज़बरदस्त। और सीने के ऊपर भी बहुत मुझे अच्छा महसूस हो रहा है इस टाइम। ये कावा नहीं, इसको आप जादू भी कह सकते हैं। अच्छा, तो जी दोस्तों, अब मैं कहवा पीकर फारिग हो चुका हूँ, और अपने अंदर एनर्जी भी फील कर रहा हूँ। तो चलिए, आपको लेके चलते हैं भाई, और अपनी तैयारी भी आपको दिखाता हूँ, और साथ में आपको लेकर भी चलता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर।
दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं अपनी शॉपिंग करके बिल्कुल रेडी होकर आ चुका हूँ, और आप यकीन माने बाहर इतनी सर्दी थी, बहुत मुश्किल से मेरा जाना हुआ है, बहुत मुश्किल से आना हुआ है। तो मैंने पर फिर भी अपने दोस्तों के लिए, जो मेरे चाहने वाले हैं और इतना प्यार आप मुझे देते हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया कि मैं आपको आज के दिन मिलूँ ना, ये कैसे हो सकता है। तो जी दोस्तों, जो मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइबर मौजूद हैं, वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो वीडियो को आज पहली बार मेरी देख रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं, और मेरे लिए दुआ ज़रूर करें आप सब मिलकर कि मेरा 103 बुखार जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ताकि मैं मज़े मज़े के आपके लिए जो व्लॉग हैं वो लेता हूँ और आपको इंजॉय करवाता हूँ। जी दोस्तों, जो मैं पाक भारत जंग का जिक्र कर रहा था, वो असल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। आपको पता है इस मैच को सब इसी तरह इंजॉय करते हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो ये मैच बड़ा एक्साइटेड होता है, जिस तरह पाकिस्तान आवाम बहुत एक्साइटेड होती है, तो इंडिया में भी एक्साइटमेंट जो है वो अरूज पर होती है। तो मैंने तो अपनी तैयारी कर ली है, मैं तो अपनी तैयारी कर चुका हूँ। अब आप भी निकलें और अपनी तैयारी करें, और दोनों टीमों को सपोर्ट करें, और बेस्ट ऑफ लक ऑल प्लेयर्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो लें दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई जगह पर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त सईद इमरान अली को इजाज़त दें, लेकिन उसी तरह जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।